भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक गाने के लिए लेते हैं 18 लाख रुपए। यानी पवन सिंह किसी गाने में अपनी आवाज दे, एक्टिंग कर दे या दिख जाए तो उनको 18 लाख रुपए देने पड़ते हैं। भोजपुरी को इस बात के लिए बदनाम किया जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई लेवल नहीं है, यहाँ हर चीज लो बजट का होता है, इस पे तो कैसे भी गाने बन जाते हैं, कहीं भी शूट कर लिया जाता है। उसी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को मात्र 2-2 मिनट का शूट के लिए 18-18 लाख रुपए मिलते हैं। आपको बता दे कि पैसे भी कोई ऐसी वैसी इंडस्ट्री नहीं देती है या कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं देती है। ये हिंदी का सबसे पुराना म्यूजिक चैनल सारे गामा पर जो चैनल है वो भोजपुरी में काम करने के लिए पवन सिंह को 18 लाख रुपए देता है। अब पवन सिंह के अलावा भोजपुरी के और कलाकार कितने रेट लेते हैं, खेसारी लाल यादव का कितना रेट है, आगे इस वीडियो में बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं फिल्मी संवाद। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए धारणा बन गई है कि यहां सिर्फ अश्लीलता ही चलता है, गाने का एकमात्र सहारा है अश्लील गाना बना लिया जाए, अश्लील लिरिक्स जोड़ लिया जाए और अश्लील सीन इसमें दिखा दिया जाए तो गाना चल जाएगा, गाना हिट हो जाएगा। इसके लिए कोई बजट की जरूरत नहीं होती है, ना ही कोई कॉस्ट्यूम में खर्चा करने की जरूरत होती है, क्वालिटी पर भी ध्यान नहीं देना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यहाँ थोक के भाव से दर्जनों भर गाने बन जाते हैं, लेकिन वही बात करें पवन सिंह की तो वो पवन सिंह 2-2 मिनट के सीन के लिए 18 लाख रुपए लेते हैं। सारे गामा से पवन सिंह का एक गाना आता है लाल घाघरा, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट रहा, लोगों को भी काफी पसंद आया और अभी तक पसंद भी करते हैं। उस गाने के लिए पवन सिंह ने सारे गामा चैनल से 18 लाख रुपए लिए थे। पवन सिंह ऐसे नहीं है कि सिर्फ गाने के लिए इतने रुपए लेते हैं, बल्कि पवन सिंह का रेट ही इतना चल रहा है, 15 से 18 लाख रुपए ही लेते हैं। अब बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टार के बारे में। पावर स्टार जब इतना चार्ज करते हैं तो खेसारी लाल यादव कैसे पीछे रह सकते हैं। खेसारी लाल यादव भी एक गाने के सूट का 12 से 15 लाख लेते हैं। खेसारी लाल के लिए भी कहा जाता है कि वो पैसे के लिए कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। अब खेसारी लाल और पवन सिंह के बाद तीसरे नंबर पर इन दोनों को टक्कर दे रहे हैं उनका नाम है नीलकमल, जिन्हें भोजपुरी के असली ट्रेंडिंग स्टार भी कह सकते हैं, जिनके 10 गाने आए तो 6 गाने ऐसे ही हिट कर दिए जाते हैं। तो आपको बता दें नीलकमल सिंह एक गाने का 6 लाख रुपए लेते हैं। पवन सिंह खेसारी लाल यादव को नीलकमल टक्कर देते हैं, लेकिन पवन सिंह सबसे ज्यादा फीस लेते हैं। पवन सिंह का जिस तरह से उनका आवाज है, उनके पास टैलेंट है, उस हिसाब से वो अपनी फीस लेते हैं। तो आपको कैसी लगी ये खबर कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें फिल्मी संवाद। धन्यवाद।